जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख मोहसिन अली एंड वेलकम टू उस्ताद शेख तारिक पिजन लेगेसी। मैं काफ़ी दिन से ऑनलाइन नहीं था, लाइव नहीं आया, आज भी मैंने आना कोई नहीं था कोई, और लेकिन मैंने कहा चले यार काफ़ी अर्सा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई ना लाइव, तो चलो अब आज ज़रा लाइव आके आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आज स्पेशल थोड़े से पिजन्स है, रामपुरी और टैडीज, तो मेरा दिल था कि मैं आपको ज़रा ना स्पेशली लाइव आके दिखाऊं, तो दैट्स वाई मैं लाइव आ गया। मुझे पता है कि अनदर वे कमरान भाई भी लाइव हैं, तो शायद इस टाइम ज़्यादा ज़्यादा लोग होते भी नहीं ऑनलाइन, लेकिन चले कोई नहीं, मेरा तो सिर्फ था कि बाद में भी नोटिफिकेशन आता रहेगा तो आपको लाइव शो भी करवाएंगे। तो चलो हियर वी गो। चलें जी, अब आप शौक करें, अब जाने भी हो रही हैं पीछे, सिर्फ ये था कि मैं अब क्योंकि माशाल्लाह हमारे इसमें जी बांके कबूतर हैं जी, रामपुरी कबूतर हैं और टैडी कबूतर हैं जी, तो हेवी गो। मैं तकरीबन अगले 5-7-10 मिनट आपके साथ लाइव हूँ। ये मेरा बड़ा फेवरेट कबूतर है जी, ये देखें रामपुरी, इसका शो करें, डिटेल से व्यू करें। मैं जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं मैं इनका डिटेल से सबका करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच सब लोगों का। मलिक हसन फॉर योर कमेंट, हाय शेरा शान अनवर हेलो। ये देखें जी रामपुरी बांका कबूतर है जी, ये आपको बता दूँ ये रामपुरी बांका कबूतर है आपके सामने। इमरान भाई जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं आप लाइव आ जाएं, ये जी चौधरी वाला कबूतर है जी, ये सामने खड़े हैं, ये भी बांका कबूतर है जी, ये टैडी है जी, शौक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट भी करें। और जो फयाज अहमद थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, और ये जो जो लोग देख रहे हैं और जिनको अच्छे लग रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अदील कलीम थैंक यू सो मच, औरंगज़ेब थैंक यू फॉर योर कमेंट, चांद सैमी थैंक यू डियर थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, वेलकम टू लाइव ट्रांसमिशन इमरान मंड साहब, ठीक है आई होप सो कि आप कल की तरह अच्छे होंगे। शान अबर थैंक यू सो मच, आतिफ दैट्स कूल, वालेकुम सलाम थैंक यू, नदीम मी टू लव यू डियर, इनफैक्ट नदीम दुरानी भाई, आशुहा बोरी वाली ये फ्रॉम इटली थैंक यू फॉर योर कमेंट, आई होप सो कि इटली सब इटली में सब सेट होगा और आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। नकाश टोकर थैंक यू सो मच, और सलीम रजा थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू फॉर इमरान मन साहब फॉर योर कमेंट, ठीक है जी। आतिफ थैंक यू सो मच, आतिफ गुजर साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, गुलजार महमूद थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, जी जी सारे इक्वली हमारे लिए तो सब बराबर है और इक्वली जो जितना प्यार करता है आप ज़रा भी ना समझे हमारा, आपके प्यार की वजह से तो हम यहाँ पे आ जाएं, और दैट्स वाई वी आर पाकिस्तान्स मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, जो आपके प्यार की वजह से आप ही की वजह से हैं, जो लोग कमेंट करते हैं जो हमें प्यार करते हैं हमें फॉलो करते हैं हमें लाइक्स करते हैं ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है, दैट्स वाई वी आर पाकिस्तान्स मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, ये आपके बगैर कभी भी नहीं हो सकता था, आपके ट्रस्ट की वजह से आपके प्यार की वजह से ये हुआ, ठीक है? तो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ तो ये आज भी कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखें मैं कोई आज तकरीबन पूरे 10 मिनट तक ऑनलाइन रहूँगा बशर्ते कि मेरे 2-3 दोस्तों ने मुझसे मिलने आना है, ठीक है? अगर वो आ गए उस दौरान तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम हेयर, आपको डिटेल से इंशाल्लाह शो कराऊंगा, यानी कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये नहीं कि मेरे को जल्दी जल्दी में
ऐसे करवा रहा हूँ। ये देखिए जी, मेरा बड़ा फेवरेट है ये रामपुरी कबूतर है। इसकी ये फीमेल है, आपको फीमेल भी दिखाता हूँ। ये इसकी फीमेल है, क्रीच लगी हुई है दैट से। ये बांका कबूतर, ये जी चौधरी वाला टैडी कबूतर है जी। थैंक यू गुलजार महमूद, थैंक यू सो मच। एंड अगेन आतिफ गुजर, थैंक यू। वकास अहमद फॉर योर कमेंट, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त बादल हुसैन, बिल्कुल अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत ज़बरदस्त है जी, शुक्र अल्लाह का। ये मादी कटी हुई है दैट, तो अभी इसके पर आज खींचे तो ज़रा ऐसे ऐसे कर रही है। ये इसका नारा जी, ये इसकी फीमेल है, ठीक है। ये नारा फीमेल है, ये मेल है जी इसका। ये टैडी पेयर है जी। ये देखे जी कबूतर, अच्छा दैट्स कूल। अच्छा थैंक यू, थैंक यू कलीम। अब भाई क्लोजअप, मैं अकेला बंदा हूँ आतिफ भाई, मैं नहीं दिखा सकूँगा, ठीक है। रामपुरी जो है वो वाइट आइस के भी हैं और नीली आंख के भी हैं, ठीक है। और विकास अहमद, आप पैसे फिक करके पूछेंगे, स्क्रीन शॉट मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको प्राइस बता सकूँगा सबकी। यार एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो लाइव आते साथ ही लोग कॉल करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना किया करें क्योंकि लाइव फिर होता है, ठीक है जी। ये इंसान टैडी कबूतर है जी, ये सामने खड़ा हुआ है, बहुत आला रिजल्टेड कबूतर है। ये देखें, इसकी मैंने पिक्चर्स भी शेयर आउट की थी थोड़े दिन पहले, ठीक है। ये यरकान आँख का टैडी पट्टा है, वो सामने आ रहा है, ये जो कटा हुआ है बाइट से, वो कोने में चला गया अभी। वो देखें, बिल्कुल यरकान आँखें हैं इसकी, ठीक है। तो ये वाइट आइस के अंदर है, वो यरकान आइस के अंदर है। ये भी रामपुरी है जी, नीली आंखों की। ये रामपुरी बांके कबूतर है, ये जो मेरे सामने बैठा कबूतर आ गए, ये रामपुरी बांका कबूतर है जी, ठीक है। ये टैडी कबूतर है जी, मेरा कसूर से ये कबूतर आया था। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस कबूतर के, इस ब्रीड के जी। ये फिरोजपुरी कबूतर है आपके सामने, थैंक यू इमरान भाई। यस मोहम्मद शहजाद, आपको इस थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप बात कर दो कि जो कबूतर हमारे पास होते हैं और जो अवेलेबल होते हैं, जो बुक नहीं हुए होते, जो सेल नहीं हुए होते, जो लोगों ने नहीं देखे होते, जारी बात है देखते ही लोग सेल आउट हो जाते हैं हमारे बर्ड्स, ठीक है। जो नहीं, ये देखे दोनों फीमेल बैठी हुई है, ये फिरोजपुरी की फीमेल है जो आगे नार देखे, और ये बड़े रामपुरी की फीमेल है, ठीक है। और ये वो टैडी की फीमेल है जो आगे आपने देखी, वाइट कानों वाली, ठीक है। तो स्टे ट्यून, आज आपको इसके अलावा भी थोड़ा सा इनसाइड अंदर से भी शो करवाएंगे, ठीक है। माजरत आतिफ भाई, एक्चुअली मैं अकेला होता हूँ तो मैं आपको पकड़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी ऐसे शॉट के अंदर कि इसका क्लोजअप। यार ये एक तो बहुत प्रॉब्लम है कि जब तक मैं लाइव होता हूँ फिर लोग कॉल करने लग जाते हैं, प्लीज़ उस टाइम तक मुझे कॉल ना कीजिए। अच्छा ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइव आते ही लोग मुझे कॉल करने लग जाते हैं। और भाई, ओ भाई, मैं आपके लिए लाइव आता हूँ, अगर मैं फ़ोन पे तो एज़ यूजुअल जब तक मैं रात को 2-3 बजे तक जाग रहा होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ, कोई मसला मसाइल ना हो तो मैं ज़रूर कॉल पिक करता हूँ आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम जब लाइव बंदा आता है तो प्लीज़ कॉल ना किया करें, ताकि फिर इंटरप्शन होती है, वो टेम्पो टूट जाता है, ठीक है। तो ये रामपुरी कबूतर है जी, ठीक है। ये साफ आंखें बोस्की आंखें कबूतर हैं, ये जो ये वाले रामपुरी कबूतर हैं, इसकी फीमेल की भी बोस्की आंखें हैं, ये इसकी फीमेल, इसकी भी बोस्की आंखें हैं, ठीक है। और ये मेल है, इसकी भी बोस्की आंखें हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये यरकान आंखें टैडी हैं जी, ये जो कबूतर है बेटा, ज़रा से ऐसे लोग देख लें। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये है जी यरकान आंख वाला टैडी कबूतर, वो जो आगे गया, ठीक है। ये भी रामपुरी बांका कबूतर है जी, ये सामने खड़ा हुआ है। और जो 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 कराची से लोग हैं या जिन्होंने ओरिजिनल ब्रीड्स का शो किया है, उनको पता है ये रामपुरी बांके के होते हैं। और कहीं जो नए नए माशाल्लाह से जिनको नए उस्तादियाँ शिगिर्दियाँ की हैं या जो नए नए अभी इस थ्रो में आए, तो वो भी कहते हैं ये रामपुरी बांके के होता है। उनके लिए बस इतना ही मैं बता दूँ तो काफ़ी है, वो समझ गए होंगे।
जी, आप ये एक भाई पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक टैडी कबूतर है, उसके साथ फिरोजपुरी मादी लगाना चाह रहा हूँ, तो कैसा होगा? ऐसे ब्रदर ये नहीं होता कि आप टैडी के साथ गोल्डन लगा दे तो ये क्रॉस हो जाता है, या इस तरह से करके कोई, ये देखना पड़ता है उस कबूतर की क्या विंग्स हैं, क्या पर हैं, उस कबूतरी की क्या विंग्स और पर है, उसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, तो फिर उनका कॉम्बिनेशन करके लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोई नहीं होता कि लोग अक्सर कह रहे होते हैं ओहो मैंने लाल अख दे नाल ना मैं चिट्टी अख दा पा के क्रॉस बना लिया, इंज नहीं होता। ठीक है, क्रॉस जड़ा होता है वो सारी चीज़ों का होता है, परों का भी क्रॉस होता है, जिसामत का भी क्रॉस होता है, हड्डी के स्ट्रक्चर का भी क्रॉस होता है, फिर एक पेड़ लगता है। ये नहीं होता कि लाल आँख के साथ वाइट लगा दो तो क्रॉस हो गया जी, उन बच्चा घर वापस आएगा, ये नहीं होता। ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। जब तक आपको नहीं पता जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, वो दोनों में से अगर दोनों की आंखें ठीक हैं तो बच्चे फिर भी वही एक ही चीज़ निकलेगी, इनब्रीड हो जाएंगे या स्लो पर के होंगे, ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब तक पर में क्रॉस ना होगा तो आपका कबूतर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, बात सीधी और सिंपल सी है, इसको समझ लें तो आसान है। ठीक है, लेकिन आपने पूछा है तो आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये लेकिन कोई नहीं होता, जो कबूतर आपके सामने होता है उसके बाद ही इसकी जजमेंट होती है। अगर कबूतर की आंख बहुत ज़्यादा थिक आ रही है तो मादी की आंख जो है वो ज़रेदार होनी चाहिए, ब्रीक होनी चाहिए, शाइन वाली होनी चाहिए, दोनों में से एक की। अगर दोनों की थिक आंखें होंगी तो फिर रिजल्ट उड़ने में नहीं आएगा, सीधी और सिंपल सी बात है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। आंख का कलर कोई भी होना कोई मैटर नहीं करता, ये जहन में रखे। ठीक है, कबूतर के रिंग मैटर्स करते हैं पैर लगाने के लिए, और पैर कबूतर अच्छा ब्रीडर ढूंढने के लिए उसके रिंग्स मैटर करते हैं, उसका आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैटर करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये भी रामपुरी, इनकी वाइट आइज हैं, इसकी मैली आइज हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता। ठीक है, आंखों से कुछ भी नहीं होता, ये जहन में रखें। ये अब डैडी कबूतर हैं, इन सबसे अलग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? ये अच्छे मेक हुए में यार, एक तो ये देखें जी, अब यहाँ पे भी कॉल आने लगी है। अब प्लीज़ जो जब तक मैं लाइव होता हूँ प्लीज़ कॉल मत किया करें, मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं जो कॉलें करते हैं। ठीक है, इस टाइम तक मुझे 10 कॉलें आ चुकी हैं दोनों फोन्स के अंदर, इतनी देर के अंदर लाइव के प्रोग्राम के अंदर। तो आपका, आपके प्यार का, आपके अप्रिसिएशन का, आपके जो आपको जल्दी होती है कि ये फ़ौरन सेल आउट ना हो जाए, उसके लिए भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा इधर टाइम दिया करें। मैं यहाँ पे कोई, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये फॉर सेल है, ये इतने के हैं, ये इतने के हैं, ये वैसे मैंने सिर्फ आपको शो करवाना था तो मैं लाइव आया हूँ। तो आराम से, ये किसी के लिए मैंने कोई अभी ये बुक नहीं किए हुए, ना किसी के साथ मेरी बात हुई है। ये देखें जी, नौवीं कली का पट्ठा है, ये टैडी पट्ठा है, इसका शो करें। ये चलो बेटा, ये देखें, ये सिर्फ अभी नौवीं कली का, अभी इसने फेंकनी है दसवीं के लिए। ठीक है, तो लुक इसकी चेक करें, ये देखें जी, रामपुरी पंखे का आई क्लोजअप देखें, कैसे जालीदार इसकी आंख है। ठीक है, ये रेयर्स कबूतर होते हैं। थैंक यू शहजाद म्यू फॉर वेलकम टू लाइफ, आई होप सो कि जर्मनी में सब सही होगा। और अबू सफियान वड़ैच साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। ठीक है, ठीक है जी, आई होप सो कि आपने डिटेल एक शो कर लिया, लेकिन मैं आपको एक मास्टर व्यू दे के उसके बाद से वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इस 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने हैड की तो मुलाकात होगी। ठीक है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उसको मस्ट सब्सक्राइब करें। सम टाइम आपको नहीं सेंड कर सकता मैं व्हाट्सएप पे, तो उसको मैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उसके बाद से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप पे लोग ऐड हैं, जो हमसे परचेज करना चाहते हैं जोंग वाले नंबर पे, वो ऐड हो। ठीक है, जब तक वो जोंग वाले नंबर पे ऐड नहीं होंगे तो वो किसी तरह से, या तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये फेसबुक पे फर्स्ट सीन करें। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ऐड हो। जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो मैं आपको कैसे बता सकूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड हो, यहाँ पे ऐड हो, YouTube पे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको अपडेट्स आती रहेंगी।
ठीक है, जिन्होंने परचेज करने हैं अभी करें या बाद में करें, जब भी करें, अगर वो परचेज करना चाहते हैं या वो करते हैं तो वो यहाँ पे एक मैसेज करें कि इस नंबर को ऐड कर लें, तो जब जब वीडियोस बनेंगी तो वो अपडेट्स आती रहेंगी। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो व्हाट्सएप के व्यूवर्स हैं, उनके लिए शाम को 3 गोल्डन पेयर्स के अपडेट आएगी, ठीक है, उनमें से 3 की गोल्डन पेयर्स की अपडेट उनको आएंगी, ठीक है, तो वो भी बड़े नए आपको कबूतर है, तो स्टे ट्यून उस्ताद शेख तारिक लेगेसी, ठीक है। तो इंशाल्लाह शाम में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्हाट्सएप पे लोग हैं, उनको मुलाकात होगी ऑन व्हाट्सएप, अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के हर बंदे का, हर 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 सोसाइटी के हर बंदे का इक्वली ख्याल रखें, जितना आप अपने लिए सोचते हैं, जितना किसी लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपके मोस्ट फेवरेट लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, इस तरह से हर बंदे के बारे में सोचें, ठीक है, और जो इक्वली उनका ख्याल रखें, ठीक है, जितना आप रख सकते हैं, जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है। मुझे मुबशर भाई या मुझे अपना नंबर मत भेजें, उस्मान तारिक भाई मुझे नंबर अपना मत भेजें, माइंड ना करें, लेकिन मेरा जोंग वाला नंबर है 03145157337, यहाँ पे टेक्स्ट करें, आई विल ऐड योर नंबर, ठीक है, और आपको ऐसे ही अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ मुबशर इकबाल भाई और उस्मान तारिक भाई आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करें, आई विल ऐड योर नंबर अपने नाम के साथ, और ये लिख के भेजें कि इस नंबर को ऐड कर लें, आई डेफिनेटली ऐड योर नंबर। थैंक यू सो मच, और आपके कमेंट का, अप्रिसिएशन का, ठीक है, अपना, अपने घर वालों का अगेन एंड अगेन बहुत सारा ख्याल रखें, और इक्वली अपने पिजन्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। और दूसरी बात ये, और मैं अक्सर एक देखता रहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर लोग आते हैं, ये मैसेज मुझे बड़े दिनों से था, मैं ज्यादा काफी सारे दिनों में लाइव था, मैं ये देख रहा था ट्रेंड, वो जो बेचारे लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, वो बेचारे कबूतर बिल्ली को खिला के फिर उनकी पिक्चरें चढ़ा रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, उनको शर्म आनी चाहिए, खुद तो तुम जाके नीचे बेड पे सोते हो पंखे के नीचे, ठीक है, और तुम खुद एसी के नीचे सोते हो और अपने कबूतरों को बिल्लियों के हवाले किया होता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग इनकी केयर नहीं कर सकते, जो उनका ख्याल नहीं रख सकते, उनको कबूतर अपने घर लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है, उनको अपने घर कबूतर लेके आने नहीं चाहिए, ठीक है, ये मासूम से परिंदे होते हैं, वफादार परिंदे होते हैं, ठीक है, इनका जब तक आप अपने घर पे अपने पास कभी भी ना रखें जब तक आप इनका ख्याल नहीं रख सकते, ठीक है। और जो लोग उनको वहाँ पे ताजियत कर रहे होते हैं, जी बड़ा अफसोस हुआ, तो ये तो वो, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको भी आनी चाहिए, और जिन्होंने कबूतर बिल्ली को खिलाए होते हैं या उनको भी आनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपने कबूतरों की, अपने बच्चों की तो केयर करते हो ना, अपने घर वालों की केयर करते हो, तो कबूतरों की क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अपने ये तुम्हें नींद कैसे आ जाती है कि कबूतर तुम्हारे सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर बुरी किसी को लगी बात, उसको बुरी ज़रूर लगनी चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। जब तक तुम अपने कबूतरों को सिक्योर नहीं रख सकते, ठीक है, उनकी हिफाजत ऐसे नहीं कर सकते जैसे तुम अपने बच्चों की करते हो, मत लेके आओ अपने घर कबूतरों को, चाहे वो 50 रुपये का कबूतर है या 100 रुपये का कबूतर है, ठीक है, जान जान होती है, ठीक है। तो ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ठीक है, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मुलाकात होती है, अब बाय बाय।